हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर 31वें दिन आंदोलन जारी, सतबुद्धि यज्ञ आज। भिनमाल पेयजल संकट से जूझ रहे भिनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के वासिंदों द्वारा गठित नर्मदा नीर संघर्ष की ओर से स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित गैर राजनीतिक बेमियादी धरना प्रदर्शन के 31वें दिन धरना जारी रहा। इस दौरान निकटवर्ती कोरा गांव के ग्रामीणों द्वारा धरने में भाग लेकर आंदोलन का समर्थन किया गया। करीब 11 बजे कोरा सरपंच खेमराज देवासी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में महिला व पुरुष करीब दर्जन भर वाहनों में सवार होकर धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों के हाथों में मांगों के समर्थन में नारों से लिखी तख्तियां थामी हुई थी। करीब एक घंटा भर तक धरना में भाग लिया। इस दौरान कोरा सरपंच खेमराज देवासी ने कहा कि आजादी के करीब 74 वर्ष बाद भी भिनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के वासिंदे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और पेयजल के लिए आंदोलन को उतारू होना पड़ रहा है। उन्होंने पेयजल संकट के लिए सरकारी व प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए नर्मदा का पानी उपलब्ध होने तक आंदोलन को जारी रखने के लिए तन मन धन से सहयोग का संकल्प लिया। लक्ष्मण बजवाड़ कोरा, कपूर चंद गहलोत व अधिवक्ता अशोक सिंह उपावत ने भी विचार व्यक्त किए। इसके बाद रैली के रूप में मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि औसत से कम वर्षों के चलते जल स्तर करीब 1000 फीट गहरा पहुँच गया है। 1000 फीट पर भी खारा व फ्लोराइड युक्त पानी उपलब्ध होता है, जिससे इंसान के लिए पीने के उपयोग में लेना यानी कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देने के समान है। ऐसे हालात में सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को भारी आर्थिक व समय का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में भिनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य दिसंबर 21 तक पूर्ण करवाकर पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन में ग्रामीणों द्वारा पूर्ण रूप से भाग लेकर बड़ा रूप प्रदान किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। इस अवसर पर ग्रामीण नारायण सिंह, कस्तूरा राम, माधा राम, माना भारती, उकाराम, वेला राम, मांगा राम, भमरा राम, मूलचंद सोनी, टीकम सिंह, करणाराम चौधरी, जोईताराम चौधरी, रेवाराम सेन, ओटाराम चौधरी व नगाराम सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के तहत अनशन के तीसरे दिन बुधवार को पीर सिंह राव, सरदार सिंह डाबी, अम्बालाल, बाबूलाल घांची व टीकाराम माली अनशन पर रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति के सदस्य व नगरवासी मौजूद थे। करीब 31 दिनों से जारी लगातार धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का असर अब राजनेताओं पर पड़ने लगा है। पेयजल संकट को लेकर आंदोलन को रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को पत्र सौंपकर नर्मदा परियोजना के कार्य को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग उठाई। वहीं बुधवार को भिनमाल विधायक पूर्णाराम चौधरी ने जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से उनके कार्यालय में मुलाकात कर भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा 2008 में स्वीकृत नर्मदा परियोजना का कार्य करीब 5 वर्ष देरी से चलने और वर्तमान कार्य की गति के अनुसार आगामी 5 वर्ष में पूर्ण नहीं होना बताया। विधायक ने भिनमाल में पेयजल संकट को लेकर करीब 1.5 माह से संचालित आंदोलन से अवगत करवाकर नर्मदा परियोजना का कार्य शीघ्र उपलब्ध करवाने की मांग की। विधायक चौधरी ने भिनमाल विधानसभा क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास से अवगत करवाकर क्षेत्रवासियों की परीक्षा लेने की बात कही, अन्यथा क्षेत्रवासियों द्वारा संचालित आंदोलन उग्र रूप धारण करने को लेकर आगाह किया। कुल मिलकर करीब 1.5 माह बाद आंदोलन की गूंज सीएमओ व विधानसभा तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा आंदोलन को नजरअंदाज करने व हल्के में आंकने की वजह से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि जिला प्रशासन का यही अड़ियल रवैया रहा तो पिछले किसान आंदोलन की भांति बड़ा रूप धारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के समक्ष कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि राज्य सरकार व प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए समिति द्वारा गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के समक्ष सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। विडंबना तो यह है कि जिला प्रशासन की भांति सत्ताधारी दल का एक भी नेता उक्त समस्या समाधान के लिए आगे नहीं आया है। जागरूक टीवी के भिनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।